हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, भारती सिंह के लिए एक बार फिर से एक हुए अली गौनी और रुबिन आदिलेख। जी हाँ, भाई बहन की जोड़ी एक बार फिर से बिग बॉस सीजन 14 के बाद मिल गई। आखिर क्यों मिले हैं ये दोनों भारती के लिए, चलिए हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, भारती सिंह मम्मी बनी, भारती को बेबी बॉय हुआ, लेकिन भारती की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई, भारती की सर्जरी की गई, सिजेरियन हुआ है भारती को। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारती काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। हर्ष और भारती का कोई भी रिश्तेदार मुंबई में नहीं रहता, लेकिन अली गौनी भारती को अपनी बहन मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रुबिना भी भारती को अपनी बहन मानती हैं। यही वजह है कि बीती रात इन दोनों को जिस हॉस्पिटल में भारती सिंह एडमिट है उसके बाहर एक साथ देखा गया। जी हाँ, जहाँ एक ओर रुबिना के हाथ में खाने का बड़ा सा बैग था, तो वहीं एक बड़ा बैग अली गौनी के हाथ में भी देखा गया। जाहिर सी बात है कि ये दोनों भारती के लिए खाने की चीजें और बेबी के लिए सामान लेकर पहुंचे। हम आपको यहां पर ये भी बताना चाहेंगे कि रुबिन आदिलेख ने भारती सिंह का प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी ख्याल रखा है और उनको कई तरह के घरेलू उपाय बताती रही हैं। यहां तक कि रुबिना ने अपना बनाया हुआ काढ़ा भी भारती के लिए भेजा था। आप सभी को याद होगा कि बिग बॉस के घर के अंदर रुबिना का काढ़ा सुपरहिट था। उस काढ़े से ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल जैसी तकलीफों को कंट्रोल में किया जा सकता है और भारती प्रेगनेंसी के दौरान इन सब परेशानियों से जूझ रही थी। लेकिन रुबिना ने एक बहन की तरह भारती का ख्याल रखा। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अली गौनी भी भारती के बहुत क्लोज हैं और यही वजह है कि अली रुबिना के साथ ही भारती को देखने पहुंचे। भाई मान गए इन दोनों भाई बहन को, जब भी कोई तकलीफ में होता है ये दोनों झट से पहुंच जाते हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।